हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी एसेसरीज जो आपको अपनी टाटा पंच में लगवानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएंट लुक, जो भी आपने मॉडल चूज़ किया है। राइट, ये पांच ऐसी एसेसरीज हैं जो आपकी गाड़ी के लुक को इन्हांस करेंगी। एंड ये जो वेरियंट है ये अकम्पलिश डेजल है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली एसेसरी जो आपको लगवानी है फ्रॉम शोरूम इटसेल्फ वो है ये फ्रंट की स्किड प्लेट। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्किड प्लेट है फ्रंट की, ये आप लगवा सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लुक को इन्हांस करती है। राइट, सेकंड चीज़ है ये फॉग लैम्प गार्निश जो कि क्रोमेटेड है, क्रोम में है, ये दोनों साइड पे है इसमें भी। एंड क्योंकि इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स आते हैं तो ये गार्निश मैंने करवाया। क्रोम को करवाने का बेनिफिट ये होता है कि शोरूम से आपको इन सारी एसेसरीज़ की 2 साल की वारंटी मिलती है, यानी डायरेक्टली रिप्लेस हो जाती है अगर इसमें कोई भी फॉल्ट या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। राइट, तो ये हो गया आपके फॉग लैम्प, ये हो गई आपके स्किड प्लेट, एंड ये आपके दूसरा फॉग लैम्प। तो पहली हो गई स्किड, सेकेंड इज़ फॉग लैम्प। थर्ड चीज़ जो मैंने लगवाई है, जो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, वो है ये डोर वाइज़र। डोर वाइजर मैंने शोरूम से ही फिट करवा रखे हैं एंड काफ़ी अच्छा है। एंड ये आपके बारिश वगैरह में हेल्पफुल होते हैं बहुत, जैसे कि आप देख ही रहे हो अभी गंदी हो रही है तो बारिश की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बारिश हुई थी यहाँ पर। राइट, तो एक ही हो गई डोर वाइजर, ठीक है। इसके बाद आता है ये रूफ रेल, देख सकते हैं ये रूफ रेल है इसकी, ये जेन्युइनली ये शोरूम से डीलरशिप में ही वहाँ पर मैंने फ़िट करवाई है दोनों, पहली और वो दूसरी। ये गाड़ी को थोड़ा सा इन्हांस लुक देता है, आप देखिए दूर से कार कितनी अच्छी लगती है इनकी वजह से। ये छोटी छोटी एसेसरीज हैं जो आपकी कार को, स्पेशली पंच को, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है। ये फ्रंट से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एग्रेसिव है, एंड थोड़ी सी एसेसरीज और आप ऐड कर दोगे, आई नो थोड़ी कॉस्टिंग हो जाएगी, पर इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। मुझे तो अराउंड 10,000 का डिस्काउंट मिला था ओवरऑल एसेसरीज़ में, आप भी कर सकते हैं जितना बार्गेन कर सकें, बिकॉज प्रॉब्ली पंच में वो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, तो डिस्काउंट वो आपको इंश्योरेंस में देंगे या फिर एसेसरीज़ में देंगे, तो मैंने एसेसरीज़ पे ज़्यादा डिस्काउंट ले लिया था। राइट, तो ये रूफ रेल एंड डोर वाइज़र दो चीज़ें आप ये देख रहे हैं, ये आप एक बार डेफिनेटली लगवा के देखें। रूफ रेल तो आप बिना सोचे ही लगाएं, ये बहुत अच्छी लगती है कोई भी वेरियंट में, इसका से कोई मतलब नहीं। और डोर वाइज़र साइड से तो लोग इन्हांस करते ही हैं, साथ में हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बारिश में आपको स्पेशली इनका यूज़ पता चलेगा। राइट, तो एक हो गई थी स्किड प्लेट, एक फॉग लैम्प गार्निश, थर्ड इज़ दिस डोर वाइजर, फोर्थ इज रूफ रेल। राइट, एक चीज़ हो गई, और पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको तो दो चीज़ें लगी हुई हैं, तीन चीज़ें लगी हैं वैसे तो भी स्पेसिफिक। एक तो ये हो गई आपकी रेयर की स्किड प्लेट, मुझे नहीं पता आपको दिख रही नहीं दिख रही, ये रही। राइट, ये एक हो गया, दूसरी ये रही, ये भी पूरा यूनिट आता है तो ये लगवा सकते हैं आप, थोड़ा सा पीछे लोग इन्हांस हो जाएगा। एक हो गया ये टेल ग्रेट क्रोम, ये देखो ये वाला, एक ये भी लगवा सकते हैं। और ये है बैक का स्पॉइलर, थोड़ी सी सनलाइट वहाँ पर ज़्यादा है, आई डोंट नो आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं, बट यहाँ से हो जाएगा। ये वोकल फॉर लोकल, ये रूफ है, ये आपका स्पॉइलर, ये पीछे से थोड़ा कुछ एसेसरीज हैं जो हमने लगवा रखी हैं भाई टाटा पंच में, ये सब आप लगवा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ स्किप करना है तो फ्रंट से आप स्किड प्लेट स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ फ्रंट इसका ऑलरेडी बहुत मस्कुलर है। राइट, पीछे से ना करें, पीछे का बहुत इसका मतलब स्लोपी सा लुक है, थोड़ा बल्कि सी लगती है, तो ये स्पॉइलर और रियर की स्किड प्लेट काफ़ी इंप्रूव कर देती है पीछे से। एंड आप चाहें तो टेल गेट क्रोम, यानी कि जो मैंने आपको क्रोम दिखाया था ये वाला, ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं एक बार, बाकी चीज़ें मत स्किप करना, रूफ रेल तो डेफिनेटली नहीं, और डोर वाइजर भी मत स्किप करना, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। फ्रंट से फॉग लैम्प गार्निश आप कर सकते हो, वो डेफिनेटली करना, अगर फॉग लैम्प है, नहीं है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, ठीक है। अगर फॉग लैम्प नहीं है तो फिर तो आप आगे स्किड प्लेट लगवा लेना, अगर फॉग लैम्प है तो स्किड प्लेट एक बार को स्किप कर लेना फ्रंट वाली, बाकी इसमें अलॉयज आते हैं। एंड ये मीडियम ब्राउन कलर है तो थोड़ा इन्हांस हो के आता है। राइट,
बाकी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, अभी भी परचेज़ करिए, इसको 1 वीक हुआ है। एंड दिस इज ऑल, सो थैंक यू। एंड कोई कॉमेंट्स हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट।